हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी ऑफ चार्ज की. ओके तो ये आपका क्लास 12 सिलेबस का बिगनिंग भी है. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से चार्ज बिहेव करता है. ओके और जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोग चार्ज की स्टडी कर रहे हैं जब चार्ज रेस्ट पे होता है, राइट. और ये एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है. इसमें आप बहुत सारे फंडामेंटल लॉज के बारे में जानेंगे और आपको ये रियलाइज होगा कि ये चैप्टर ग्रेविटेशन के बहुत सिमिलर है. बस एक ही डिफरेंस यहां पर है कि ग्रेविटेशन में सारे फोर्सेज अट्रैक्टिव होते हैं, राइट. टू मासेज अगर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और यहां पर लेकिन अगर दो चार्ज है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, फाइन. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन टू मासेस gm1m2/r², राइट. सिमिलरली फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, जो आपको एक बहुत ही सिमिलर लुकिंग एक्सप्रेशन देता है. अनदर कॉन्स्टेंट कॉल्ड 1/4π0 इंटू q1q2/r², फाइन. तो अगर आप दोनों को कंपेयर करने जाएंगे, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज इक्वल टू gm1m2/r², राइट. अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स देखने जाएंगे, आपको ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ये होता है. अब ये दोनों बहुत ही सिमिलर लुकिंग एक्सप्रेशन है. इसकी वजह से जो भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिमिलर वे में इसके बारे में भी डिस्कशन होगा, क्योंकि मैथमेटिकली तो दोनों एक जैसे हैं एकदम ही, राइट. तो अगर मैं इस फोर्स से कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करता हूं, तो सिमिलर लुकिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां से भी डिराइव होगी, राइट. तो जिस तरह से हमने ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात किया था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात किया था, उसी तरह से हम पोटेंशियल फील्ड एनर्जी इन सब के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, राइट. और अल्टीमेटली आप ये रियलाइज करेंगे कि ये चैप्टर सिर्फ एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर देता है और उस फोर्स के बेसिस वो बहुत सारे ऐसे चीजें डिराइव करता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और फील्ड, जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली ये बस एक फोर्स ही तो है और एक पोटेंशियल एनर्जी इससे आएगी. तो जो भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है. किसी भी फोर्स के लिए क्या होता है, वो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, वो यहां पे भी ट्रू है. ओके और फिर हमने वर्क पर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है, वो भी यहां पे वैलिड है. तो जो भी हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, एवरीथिंग इज वैलिड हियर. और आप ये पाएंगे कि यहां पर इस चैप्टर में मैकेनिक्स बहुत आसानी से घुल मिल जाती है, क्योंकि जस्ट ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है, राइट. और एक और चीज आप यहां पे नोटिस करेंगे कि प्रॉब्लम यहां पर जब न्यूमेरिकल आता है आपके सामने, आपको लगेगा कि प्रॉब्लम में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी आप पढ़ेंगे वो बहुत ही इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रिकी बनाएगा मेरे दोस्त वो है आपका जो क्लास 11 के चैप्टर है, वो बनाएंगे इस चैप्टर को ट्रिकी. जैसे अगर कि मैं लॉज ऑफ मोशन इसमें मिक्स कर दूं, एक अगर एक चार्ज मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, तो उसमें सारे लॉज ऑफ मोशन लग जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट लग जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का बस एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा कि फोर्स कितना होता है भाई, ठीक है. तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. और अगर आप क्लास 11th आपने जस्ट खत्म किया है, और ये समझ लीजिए अगर ये मंथ चल रहा है आपका मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक का, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास 11th ही एक दो महीना और रिवाइज करिए, फाइन. क्योंकि आप पाएंगे कि क्लास 12th के सिलेबस बहुत ही सिंपल है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फाइन. और अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा हुआ है फिजिक्स का, तो क्लास 12th में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ओके बट हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि क्लास 12th में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है देखने के लिए. यहां पे भी निटिडिटीज हैं और फाइनर डिटेल्स हैं थोड़ी थोड़ी, जिसको कभी कभी एक्सप्लॉइट किया जाता है एक बहुत ही अच्छा सवाल बनाने के लिए. ओके तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके
तो चार्जेस आते कहां से हैं? आपको तो ये पता ही होगा कि सारा जो मैटर है यूनिवर्स में कैसे बना हुआ है, इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चीज है। सब जितने भी मैटर है सब बने हुए हैं एटम से, राइट। और एटम के अंदर आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए किसी चीज में तो उसको बोल सकते हैं हम कि उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है, राइट। जनरली क्या होता है, हर मटेरियल न्यूट्रल होता है और हर मटेरियल चाहता है कि वो न्यूट्रल रहे, ये उसकी प्रॉपर्टी है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल मास की प्रॉपर्टी होती है उसकी इनर्शिया, वो अपना स्टेट मेंटेन करके रखना चाहता है। उसी तरह से चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है न्यूट्रलाइज होना चाहता है, सिंपल, राइट। तो कोई भी मैटर होगा अगर उसमें चार्ज है तो वो चाहेगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करे और अपने ऊपर ले ले ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जनरली क्या होता है, हर मैटर जो है नेट नेट इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज रखता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ा दिए तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी चीज को चार्ज कर सकते हैं। अब आपने क्या डे टू डे लाइफ में चार्ज को एक्सपीरियंस किया है? आपको याद होगा आप जब फॉर एग्जाम्पल ठंडियों में कंबल ओढ़ते हैं तो आपको एक हल्का सा नॉइज जरूर आता होगा, यू नो, वो जो नॉइज है वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं कंबल से आपकी तरफ या आपसे कंबल की तरफ। अगर आप बहुत ही डार्क में अगर कंबल ओढ़ेंगे तो आप उसको देख भी सकते हैं, छोटे छोटे स्पार्क्स होते हैं वो। और सिमिलरली जब आप जैकेट वियर करते हैं तो छोटे छोटे स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही है। और बचपन में आपने तो ये किया ही होगा, प्लास्टिक का स्केल आपने अपने सर पे रब करके आपने अट्रैक्ट किया होगा कुछ छोटे छोटे पेपर के पीसेस होते हैं, राइट। तो पेपर के पीसेस में तो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, उसको जाना चाहिए नीचे बट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस हो रहा है, राइट। तो यहां पे भी जब आप रगड़ते हैं स्केल को सर पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन आपके सर से स्केल में पहुंच जाते हैं और स्केल को नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप जो है एक फोर्स लगा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फाइन। इसी तरह से आपने लाइटनिंग देखी होगी, जो लाइटनिंग होती है वो क्लाउड्स में बहुत सारा एक्सेस चार्ज जब डेवलप हो जाता है तो बहुत ही हाई पोटेंशियल पे वो डिस्चार्ज होता है अर्थ की तरफ, वो लॉट्स ऑफ एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स टूवर्ड्स द अर्थ, ओके। तो वो भी एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। अब ये तो हो गई एक्सटर्नली, इंटरनली आपके बॉडी में आप कोई भी चीज जब एक्सपीरियंस करते हैं, किसी चीज को टच करते हैं तो आपको लगता है हॉट है, कोल्ड है, कुछ आपको चोट लग गई, वो जो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है वो मेरे दोस्त वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से ही पहुंचता है। एक चार्ज का जो एक छोटा सा करंट डेवलप होता है वो जो है आपके नर्वस सिस्टम से होता हुआ ब्रेन में जाता है और वही आपको ऐसा फील करने के लिए बोलता है। आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर समझ पा रहे हैं जो भी हो रहा है आपके ब्रेन में वो चार्ज की वजह से ही हो रहा है। जब आप एमआरआई लेते हैं तो जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक ताना बाना निकल के आता है एमआरआई में। तो ये चार्ज बहुत ही बेसिक सी चीज है और ये सदियों से मान लिया गया है कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल सा पार्टिकल है, ओके। तो अगर ये बहुत ही फंडामेंटल सा पार्टिकल है तो इसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, जस्ट लाइक आप टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते, लेंथ को, मास को, इन सब को डिफाइन नहीं कर सकते, उसी तरह आप चार्ज को भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। बट इसको हम लोग एसआई सिस्टम में फंडामेंटल नहीं मानते हैं। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल क्या है? करंट है। ऐसा क्यों? फंडामेंटल इन एसआई यूनिट आर दोज यूनिट्स विच कैन बी इजिली मेजर्ड विथ हाई एक्यूरेसी। चार्ज को मेजर करना बहुत मुश्किल है और हम लोग एस्टिमेशन ही लगाते रह जाते हैं, लेकिन करंट को मेजर करने के लिए आपको तो पता ही होगा माइक्रोएमीटर है, मिलीएमीटर है, बहुत हाई एक्यूरेसी से आप करंट को मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए चार्ज को ना लेते हुए यहां पे करंट को एक बेसिक यूनिट माना गया है, ओके। तो हमारे अभी तक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि चार्ज आता कैसे है, चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तो क्या हम न्यूक्लियस से प्रोटॉन वगैरह नहीं निकाल सकते? क्या हम प्रोटॉन्स को छेड़ नहीं सकते और वहां से हम लोग चार्ज डेवलप नहीं कर सकते?
आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक बहुत ही हाई वैल्यू का फोर्स लग रहा है, उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो प्रोटॉन्स को इतना तेजी से पकड़ के रखता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में, कि आप न्यूक्लियस को तो आप छू ही नहीं सकते, वहां से आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। तो यूजुअली क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन से ही डील करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन के बनस्पत, तो अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग ये सब हम लोग एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर के शुरू में ही बना के अभी चलते हैं, ओके। और एक और चीज, चार्ज की जो ऐसा यूनिट है वो होती है कूलम, ओके। लिख लीजिए, ठीक है, कूलम होती है, उसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और ये कूलम आप इसको 1 kg या 1 meter जैसे मत समझिएगा, 1 coulomb इज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। ये आप हो सकता है अपनी लाइफ टाइम में भी ना देख पाए, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। ये नेट चार्ज एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, अगर 2 coulomb चार्ज अगर 1 meter की दूरी पे ऐसे रखे हुए हैं तो इतना फोर्स लगेगा उसमें कि दोनों सोलर सिस्टम से भी बाहर उड़ जाएंगे, कुछ 9 billion newton लगेगा दोनों पे फोर्स। तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, इस तरह का चार्ज आप कभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा चार्ज है तो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, इस तरह की यूनिट्स आएंगी। तो आप सरप्राइज मत होइएगा कि हमेशा आपको माइक्रो कूलम और मिली कूलम में चार्ज दे दिया गया है, राइट। तो ये एक रियलिस्टिक सा सिनेरियो है कि ये 1 coulomb बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ये जस्ट बिकॉज द वे करंट इज डिफाइंड, उसी के टर्म्स में कूलम डिफाइन किया गया है, इसलिए कूलम की यूनिट बहुत बड़ी आ जाती है, राइट। और एक और चीज हमें पता होना चाहिए, क्योंकि चार्जिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ऐसे लिखेंगे, 1 electron charge is 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb, राइट। अब अगर 1 electron का चार्ज इतना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 coulomb चार्ज बनाने के लिए, आप ये ट्राई करिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी मैं कोई सवाल पूछता हूं आपको वीडियो में, आप पॉज ले लीजिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। क्योंकि आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे होंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है इसको करने का, तो आप इसको हल्के में या लाइटली मत लीजिएगा इस चीज को। अगर आप वीडियो को एक क्लासरूम कैसे ट्रीट करेंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा, ओके। तो 1 electron का इतना चार्ज होता है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ coulomb मतलब 1 electron, ठीक है। तो 1 coulomb का मतलब 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹, ये हुआ इसका मतलब। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 / 16 × 10⁻¹⁸, राइट। ये 8 6 48 20 8 2 16.62, इसको मैं लिख सकता हूं 6.2 × 10⁻¹⁷ electrons। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, राइट। आप इस चीज का अंदाजा ऐसे भी लगा सकते हैं कि चलिए आप एक न्यूमेरिकल करिए, यहां पर आप समझ लीजिए कि आप 10⁻¹⁹ electrons मतलब 1 billion electron एवरी सेकेंड आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो आपको कितना टाइम लगेगा 1 coulomb बनाने में, 1 coulomb को कितना चाहिए, इतने चाहिए कूलम, इतने सॉरी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा, 1 second में 1 billion electron आ रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 6.2 × 10⁻¹⁷ / 10⁻¹⁹, कितना सेकेंड लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6.2 × 10⁻¹⁸ सेकेंड, फाइन।
अब अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दिए तो आंसर आएगा करीब 200 ईयर्स, तो आपको 200 साल लग जाएंगे इतना चार्ज इकट्ठा करने में अगर आप 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स आप इकट्ठा करते रहे पर सेकंड। तो अब आपको बहुत अंदाजा हो गया होगा कि 1 कूलम कितना बड़ा चार्ज है। ओके चलिए अब मैं एक और सरप्राइजिंग सा फैक्ट आपके सामने रखता हूं, आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करिए। आप ये निकालिए कि 18 ग्राम पानी में, जो कि नॉर्मली एक बड़े कोल्ड कॉफी का होता है, 18 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। नेट चार्ज उसमें जीरो है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें नेट चार्ज है, लेकिन उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है और कितने प्रोटॉन्स का चार्ज है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, 18 ग्राम वाटर हैज हाउ मच नेगेटिव एंड हाउ मच पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो है ये आपको पता होगा कि 18 ग्राम क्या होता है, 18 ग्राम तो इसका मोलर मास होता है पानी का। ठीक है, तो 18 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, एवोगैड्रो नंबर 6.023 × 10⁻²³, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आप पता कर लीजिए, एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में, हाइड्रोजन में एक होगा और यहां पे हाइड्रोजन में एक होगा, तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इंटू 10 आयोजन में, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए 6.3 × 10⁻², दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब है तो इतने इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज कितना है, ये तो बस एक नंबर है, टोटल चार्ज होगा दिस इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं, तो इसको मैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो चार्ज को मैं जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, तो चार्ज को हम लोग जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, Q1 Q2 लाइक दैट, हम लोग चार्ज को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक हम मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो रफली मैं बता देता हूं, 9.6 × 10⁵। ओके, इतना कूलम्ब है, तो 18 ग्राम पानी में इतना कूलम्ब नेगेटिव चार्ज है और इतने ही कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जीरो है। है तो इतना चार्ज, लेकिन इतना चार्ज आप नेट नेट नहीं बना सकते इजीली। ठीक है, तो ये एक सरप्राइजिंग सा फैक्ट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ह्यूज, यू कैन हैव दिस मच कूलम इन जस्ट 18 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। लेकिन 1 कूलम बनाने में जो है बहुत दिक्कतें आती हैं, 1 कूलम चार्ज आप अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं देख पाएंगे। ओके, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इटसेल्फ। चार्ज क्या करेगा, जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाएगा फटाफट अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा और वो न्यूट्रलाइज होने की कोशिश करेगा और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट कर देगा उस चीज में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हैंडल करना एक आइसोलेटेड चार्ज को। अब हमने चार्जेस के बारे में बात तो कर ली है और चार्जेस की प्रॉपर्टी भी जान ली है, लेकिन भाई चार्ज अब हम लाएंगे कहां से, अगर इतना डिफिकल्ट है तो हम जनरेट कैसे करें। तो फॉर्मल तरीके से अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो चार्जिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप चार्जिंग की डेफिनेशन लिख लीजिए। जब भी मैं आपको लिखने के लिए बोलता हूं आप पॉज लेके आप अपने रजिस्टर में नोट बनाते रहिए। ठीक है, चार्जिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेट चार्ज। ओके,
तो अब हम चार्जिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। चार्जिंग का अगर हम देखें तो तीन तरीके से कर सकते हैं। आप इस तरह से बना लीजिए अपनी नोटबुक में। चार्जिंग आप कर सकते हैं फ्रिक्शन से, हमने ढेर सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए ऑलरेडी फ्रिक्शन के ऊपर, इंडक्शन, और कंडक्शन। ठीक है, तो ये तीन तरीके से चार्जिंग होती है। ऑलराइट, अब हम इसको वन बाय वन थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम जाएंगे। ओके, फ्रिक्शन से चार्जिंग कैसे होती है, हमने बात की स्केल की अपने बालों में रब करने की, राइट, तो वो एक चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। ओके, बट उसके बाद जब हम लिफ्ट करते हैं पेपर्स को, राइट, तब पेपर्स न्यूट्रल होते हैं, तो पेपर्स को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है एक चार्ज ऑब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये स्केल है, ठीक है, आप समझ लीजिए स्केल पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए रगड़ खाने की वजह से आपके सर पे, ठीक है, अब ये आप एक पीस ऑफ पेपर इसके पास लेके आए तो ये इसको अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, पेपर तो न्यूट्रल है तो पेपर को कैसे अट्रैक्ट कर ले रहा है, हो क्या रहा है यहां पे मेरे दोस्त कि ये जो नेगेटिव है ना ये क्या कर रहा है यहां पे, इस ये अल्टीमेटली है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही, राइट, तो जो इलेक्ट्रॉन है इस पेपर के अंदर वो रिपल होके थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और नेट नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जो कि नेगेटिव के पास है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव क्या करेगा रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये नेगेटिव से ज्यादा करीब है और ये नेगेटिव जो है इस नेगेटिव से बहुत दूर में है, तो नेट नेट क्या होगा अट्रैक्शन होगा, आयोजन में, तो इसलिए जो है पेपर पीसेस इवन दो दे आर न्यूट्रल दे गेट अट्रैक्टेड, राइट। अब ये जो हुआ है ना रीअरेंजमेंट इसको हम इंडक्शन कहते हैं, राइट। इंडक्शन से क्या होता है, हम लोग जो चार्जेस यहां पे हुआ है रीअरेंजमेंट, राइट, जो भी यहां पे न्यूट्रल चार्ज था पेपर के अंदर एक एक्सटर्नल चार्ज की वजह से रीअरेंज हो गया चार्ज, हालांकि है ये नेट नेट न्यूट्रल अभी भी बट चार्जेस यहां पे रीअरेंज हो गए। ठीक है, तो अगर आप जो है रीअरेंजमेंट जो चार्ज होता है उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, ओके, और उसके बाद चार्जिंग होती है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, राइट। इफ यू एक्सप्लॉइट द प्रॉपर्टी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल चार्ज देन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन, राइट। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि दो एक्सपेरिमेंट इंडक्शन पे आपके सिलेबस में ही है, ओके, और ये जो कंडक्शन है ना ये कंडक्शन आप जो है ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और फिर आप पढ़ेंगे इसको सेमीकंडक्टर्स में। आप इसको अल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ेंगे, फाइन। तो ये इसकी एक्सटेंसिव स्टडी जो है ऑलरेडी है तो हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम की खपत नहीं करेंगे इस चैप्टर में, ओके, तो हम इसमें जो है टाइम की बहुत ज्यादा खपत नहीं करेंगे इस चैप्टर में क्योंकि ऑलरेडी तीन तीन चैप्टर हैं भाई के लिए, राइट। तो हम जो है अब इंडक्शन के बारे में बात करते हैं, दो एक्सपेरिमेंट है आपके सिलेबस में, हम लोग दोनों थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटेंशन आपका सिलेबस खत्म करना नहीं है, हमारा इंटेंशन है कि आप चीजों को डेप्थ में समझे यहाँ पे, राइट। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही विजुलाइजेशन वाला चैप्टर है, इसको आप आराम से एंजॉय करते हुए समझिए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इमीडिएटली हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपका डाउट जो है फटाफट क्लियर कर देंगे, ओके। अब यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, हो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सकते हैं, अगर आप इसको डिटेल में समझ लेंगे तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ओके। लिखिए एक्सपेरिमेंट नंबर वन,
इसमें हमने क्या किया है, एक मेटालिक बॉल लिया इस तरह से, इसको हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड में इस तरह से रखा हुआ है। ये स्टैंड इंसुलेटेड है और ये मेटल स्फीयर है, ओके। और यहां पे मैं एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूं इस तरह से। अब अगर मैं चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आऊंगा मेटल के पास तो क्या होगा, हमने डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आएंगे किसी सब्सटेंस के पास तो उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन जो है रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए मेटल के अंदर घूमने के लिए, राइट। लेकिन मेटल से बाहर नहीं आ सकते वो, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए मेटल के बाहर आने के लिए, राइट। तो ये इसके इन्फ्लुएंस में इसके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज के पास ऐसे जमा हो जाएंगे, राइट। तो नेट नेट क्या होगा कि रीअरेंजमेंट होगा चार्ज का, भाई है तो यहां पे ये इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां पे, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, नेगेटिव न्यूट्रल है, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन चार्ज यहां पे सेपरेट हो चुका है, राइट। अगर इस चार्ज सेपरेशन को किसी तरह यूज कर लिया जाए तो वो चार्जिंग भाई इंडक्शन हो जाएगी, राइट। उस चीज को यूज करने के लिए मुझे यहां से या तो पॉजिटिव चार्ज निकालना होगा या नेगेटिव चार्ज निकालना होगा, राइट। अब एक तरीका आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या किया है कि एक और मेटालिक स्फीयर ले लिया है और इसके कॉन्टैक्ट में ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है। सिमिलर चीज ली गई है। अब अगर यहां पे कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा, अच्छा पहली बात यहां पर ये कि हालांकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से हो रही है, लेकिन हम जो है ऐसे ट्रीट करेंगे ऐसे पॉजिटिव चार्ज भी एक पार्टिकल है, तो आपको विजुलाइजेशन में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दोनों को एक एक पार्टिकल समझ लीजिए। आप ऐसे मत ट्रीट करिए कि पॉजिटिव जो है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हालांकि वो सही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव को भी एक पार्टिकल समझ के उसका मूवमेंट की तरीके से उसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, किस तरह से ये इसको रिपल कर रहा है बड़ी तेजी से। अगर वो रिपल कर रहा है तो उसको तो भागना है इससे जितना दूर भाग सके, तो उसको अब यहां पे पाथ मिल गया, राइट। पहले वो भाग नहीं पा रहा था इससे दूर क्योंकि उसको मेटल के बाहर तो आ ही नहीं सकता, अब अगर लेकिन कॉन्टैक्ट है तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं यहां पे यहां से गायब हो जाएंगे और यहां पे अपीयर कर जाएंगे एज फार एज पॉसिबल। आई वाज समझ में, तो इस तरह से मैंने क्या किया, नेगेटिव चार्ज स्फीयर में ले लिया, पॉजिटिव चार्ज उस स्फीयर में ले लिया। अब अगर आप सिर्फ इस स्फीयर की बात करेंगे तो नेट नेट नेगेटिव चार्ज है, और इस स्फीयर की बात करेंगे तो नेट नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैंने नेट चार्ज क्रिएट कर दिया है, बिल्कुल नहीं। अभी भी क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में है, ये दोनों मिला के आप देखेंगे तो वो न्यूट्रल है। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से हटा देता हूं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अट्रैक्ट करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट कर दूं, ऐसे दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, इस तरह से मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहीं रहेगा और पॉजिटिव चार्ज भी वहीं रहेगा, राइट। अब सेपरेशन रहते रहते अगर मैंने क्या किया कि इसको हटा दिया तो क्या होगा, अगर इसको हटा दिया तो केवल एक ही इन्फ्लुएंस रह जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, राइट। अगर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव के एकदम करीब आ जाएगा इस तरह से, लेकिन ये एक दूसरे को टच करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते क्योंकि कोई पाथ नहीं है, ओके। अब क्या हुआ है कि ये दोनों चार्ज तो है नेट नेट, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्यों नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर मैं इसको ले जाऊं इन्फिनिटी पे, या तो मैं इसको गायब कर दूं,
या बहुत दूर ले जाऊं तो क्या होगा, अब कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा इसमें, तो ये जो भी नेगेटिव चार्ज था अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप चार्जिंग ड्यू टू इंडक्शन कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर टू में हमने सिर्फ एक ही मेटेलिक स्फीयर लिया है और उस पर नेट चार्ज डेवलप किया है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर टू, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज यहां पर लेके आऊं इस तरह से तो क्या होगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब अगर इसको यहां पर ऐसे की लगा के एक अर्थिंग है, यहां पे अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग मतलब होता है कि आपने ये वायर से एक बहुत ही बड़ा मेटालिक ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके रखा हुआ है जो कि इनफाइनाइट सोर्स है, कितना भी आप इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन उसको दें या निकालें वो जो है उतने का उसमें नेट नेट चार्ज जीरो रहेगा। तो इस तरह से एक एजम्पशन है, ठीक है। तो अगर मैं इस स्विच को ऐसे क्लोज कर दूं तो इसको पाथ मिल गया, तो पॉजिटिव चार्ज जो है यहां से होते हुए यहां चले जाएंगे क्योंकि इसको तो यहां से बहुत दूर जाना है, राइट, जितना दूर जाया जा सके पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो है गायब हो गया। लेकिन नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, ये स्विच ओपन कर दूंगा और इसको दूर ले जाऊंगा, इसको मैंने हटा दिया तो अब जो है मेरे पास नेट नेट नेगेटिव चार्ज आ गया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए जिसमें हमने चार्जिंग बाई इंडक्शन के बारे में बात किया। अब सभी ने यहां पे चार्जेस के बारे में बात कर ली, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो है उसमें रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, चार्जिंग कैसे होती है, लेकिन अभी तक हमने हमको कोई आइडिया नहीं है कि चार्ज को मेजर कैसे करें, ठीक है। तो चार्ज को मेजर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लगाए गए और एक एफर्ट जो काफी पॉपुलर हुआ वो है गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। लेकिन इवन दो ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट बहुत पॉपुलर हुआ है बट फिर भी ये आपको एक क्वालिटेटिव असेसमेंट ही देता है, ये आपको कोई बहुत ही एक्यूरेटली क्वांटिफाई करके चार्ज की वैल्यू नहीं बता सकता, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है हमको ये जानना जरूरी है, राइट। पहले हम उसका सेटअप देख लेते हैं किस तरह से है। तो एक मेटालिक बॉल है, इस तरह से पूरा का पूरा ये मेटल का बनाया हुआ है, ओके। और यहां पे टुवर्ड्स द एंड जो है लीफ लगाई हुई है, ये गोल्ड लीफ है। लीफ का मतलब कि ये इस तरह से है, ये ऐसे खुल सकती है, आई समझ में, ये इस पे मेटल पे ऐसे रखा हुआ है, ये बना तो गोल्ड का हुआ है। क्यों बना हुआ है गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड जो है मैलेबल और डक्टाइल होता है, बहुत ही थिन शीट उसकी बना सकते हैं, राइट। तो इस ये गोल्ड का बनाया हुआ है। अब क्योंकि ये मैं इसको चाहता हूं कि किसी और चीज के इन्फ्लुएंस में ना आए, तो मैं जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, इसको मैं चाहता हूं कि ये एनक्लोजर में आ जाए, राइट। तो इसलिए जो है इसको एक जार में ऐसे रख देते हैं, यहां पे मैंने सील कर दिया है इसको ऐसे। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में मतलब हवा वगैरह चल रही है या कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई पार्टिकल आ रहा है, तो वो इस एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए जो है इसको एक जार के अंदर इस तरह से रखा गया है, ओके। अब मान लीजिए आपके पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आता है तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा मेटल है, राइट। होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहां अट्रैक्ट करेगा, ये यहां पे नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, और क्योंकि ये न्यूट्रल था पहले, बाद में भी न्यूट्रल रहेगा, तो अगर यहां नेगेटिव आ गया तो पॉजिटिव चार्ज एज फार एज पॉसिबल जाएगा, और एंड में तो भाई गोल्ड लीफ है तो पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीफ में जाएगा, और गोल्ड लीफ और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे कट करेंगे तो सिमेट्रिकल है, तो आधा पॉजिटिव चार्ज इस लीफ में जाएगा, आधा पॉजिटिव चार्ज इस लीफ में जाएगा,
तो अगर ऐसा होगा तो ये लीफ जो है एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये लीफ खुलेगी, ओके। और ये लीफ कितनी खुलेगी डिपेंड करता है कितना पॉजिटिव चार्ज है लीफ में, और कितना पॉजिटिव चार्ज लीफ में आएगा वो डिपेंड करता है कितना ये चार्ज है। तो इन अ वे कितनी ओपनिंग हो रही है लीफ की वो आपको एक अंदाजा दे सकती है कि कितना बड़ा चार्ज है। आयोजन में अगर मैं इसको टच कर दूं ऐसे वायर से, मैंने चलिए टच कर दिया इसको, तो क्या होगा? अगर मैंने इसको टच कर दिया तो ये जो चार्ज है ये फ्लो करता हुआ यहां पे पहुंच जाएगा, राइट। तो भी वो इसी का एक तरह से इक्विवेलेंट बताएगा कि कितना ये चार्ज था, उसके बेसिस पे ये खुलेगा। तो ये आपको एक रफ अंदाजा दे सकता है कि कौन सा चार्ज बड़ा था और कौन सा चार्ज छोटा था, लेकिन आप यहां पर एक तरह से इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कितना चार्ज था, राइट। बट हां बड़ा और छोटा आप यहां पर बता सकते हैं इजिली। ज्यादा खुल गया तो मतलब बड़ा चार्ज था, कम खुला तो मतलब छोटा चार्ज था, राइट। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है उस चीज पे क्वांटिफाइबल न्यूमेरिकल, मतलब कि कहने का मतलब कोई फॉर्मूला ओरिएंटेड न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है। तो अब हमको चाहिए कोई फॉर्मूला जो हमको ये बताए कि किस तरह से हम क्वांटिफाई कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। अब फॉर्मूला जानने के लिए आपको पहले यह पता लगाना चाहिए कि सिस्टम की लिमिटेशन क्या है, मतलब कि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। अगर आप चार्ज की प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे तो हो सकता है एक इक्वेशन निकल के आ जाए, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ने के लिए, और जो कि नथिंग बट जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसको फॉर्मल तरीके से एक शेप देने जा रहे हैं उस चीज को, राइट। तो लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्जेस, फाइन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, कहने का मतलब यह है कि अगर चार्ज Q1 एक ऑब्जेक्ट में है और अगर आपने चार्ज Q2 डाल दिया उसके अंदर तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अगर चार्ज Q1 है आपने माइनस Q2 डाल दिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। कहने के लिए तो बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है, ये आपको लगेगा कि ये तो होना ही चाहिए। अब कई बार क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो है कई सारे फिजिकल पैरामीटर्स नहीं फॉलो करते हैं, ओके। ये जरूरी नहीं है कि ये सिंपल सा लॉ हर कोई फॉलो करे, राइट। तो इसलिए जो है इस चीज का होना बहुत ही सिंपल कर देता है चार्ज की स्टडी को, राइट। कि भाई अगर Q1 है और Q2 डाल दिया तो Q1 प्लस Q2 चार्ज हो जाएगा, सिंपल एडिशन है, राइट। तो एडिटिविटी इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन, लिख लीजिए चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी ऑलवेज कंजर्व। कहने का मतलब यह है कि अगर एक सिस्टम के अंदर पांच पार्टिकल्स हैं और पांचों पार्टिकल्स में कुल मिलाकर चार्ज Q1 है तो अब वो आपस में कितना भी एक्सचेंज कर लें चार्जेस, टोटल चार्ज पांचों का मिलाकर Q1 ही रहने वाला है हमेशा। और ये सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड का मतलब है बाहर से कोई चार्ज नहीं आना चाहिए या बाहर कोई चार्ज जाना नहीं चाहिए। और ये जो लॉ है ये एक्सटेंसिवली यूज होता है, तो ये जो लॉ है ये एक्सटेंसिवली यूज होता है, फाइन। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक चार्ज Q1 है एक स्फीयर में, एक चार्ज यहां पे Q2 है, ठीक है। अब दोनों को मैंने टच कराया और सेपरेट कर दिया तो दोनों में जो चार्ज फाइनली आया वो Q1 डैश है और Q2 डैश है। तो कंजर्वेशन अगर चार्ज का लगाने जाऊंगा तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये मेरा सिस्टम है, ये दोनों मिला के मेरा सिस्टम है, बाहर से कोई चार्ज आ नहीं रहा है और बाहर मैं कोई चार्ज दे रहा हूं, तो मेरा जो इनिशियल चार्ज था Q1 प्लस Q2 मेरे फाइनल चार्ज के बराबर होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ठीक है। इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं इस सिनेरियो में।
और ये सिनेरियो आपको बार बार आएगी। कैपेसिटर आप जब पढ़ेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि ढेर सारे सिस्टम आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, अभी एक सिंपल सा सर्किट ले लेते हैं। कैपेसिटर हालांकि हमने अभी किया नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो इसको आप रिलेट कर पाएंगे। क्या किया, दो कैपेसिटर ले लिया, राइट। आप देखिए जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है। अगर यहां पे Q चार Q1 आएगा तो क्योंकि गॉस लॉ जो आप पढ़ेंगे उसकी वजह से यहां पे माइनस Q1 आना चाहिए, और ये जो सिस्टम था तो अगर यहां माइनस Q1 है तो यहां ऑटोमेटिक प्लस Q1 आ जाएगा और फिर यहां पे माइनस Q1 आ जाएगा। तो आपने यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दिया क्योंकि ये जो सिस्टम है इसका टोटल चार्ज जीरो है। ओके, एक और इस तरह का सिस्टम अगर हम बना लें, राइट, तो यहां पर आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है और ये यहां आइसोलेटेड सिस्टम है। तो नेट चार्ज ये इस आइसोलेटेड सिस्टम में तीन है, एक दो तीन, इन तीनों प्लेटों में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। और दो प्लेट है, इन दो प्लेट में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले भी वहां पर जीरो चार्ज ही था। ओके, तो इस तरह से कई बार आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है वो लगाना पड़ सकता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए। थर्ड जो लॉ है चार्ज को लेके वो है एप्लीकेशन का, मतलब कि आप चार्ज को हमेशा क्वांटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको हम क्वांटाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्वांटाइज। कहने का मतलब अगर कोई चार्ज है, अगर वो क्वांटाइज है, कहने उसका मतलब ये होता है कि वो इंटीजर टाइम्स एक बेसिक यूनिट के बराबर होता है। जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो ये क्वांटम फिजिक्स में बहुत पॉपुलर है कि चीजें जो है इंटीजर टाइम्स होती है, राइट। तो चार्ज भी इंटीजर टाइम्स एक बेसिक यूनिट होता है। वो बेसिक यूनिट क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। मतलब एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज ई हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया तो चार्ज टू ई हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन गया तो थ्री ई हो गया। लेकिन क्या आप आधा इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो अगर चार्ज ई पॉसिबल है, नेक्स्ट चार्ज जो पॉसिबल है वो टू ई ही है। ई और टू ई के बीच में कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है यूनिट होती है चार्ज की, और इलेक्ट्रॉन के डालने से ही होती है चार्जिंग। तो जो है हमेशा कोई चार्ज होगा अगर अवेलेबल, तो इंटीजर टाइम्स चार्ज वन इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए उसको। ठीक है, तो अगर चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटीजर को बिलोंग करता है तब तो भाई वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, मतलब कि क्यू बाई ई If it does not belong to integer, this charge cannot exist. Right? तो ये एक बेसिक सा हम लोग मान के चलेंगे इन तीनों लॉज को, और हम ये तीनों लॉज आप देखेंगे कि बहुत बारी यूज करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ओके? तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ और उसका एप्लीकेशन। कूलम्स लॉ बस आपको एक फोर्स बता देता है कि भाई इतना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स के बेसिस पे आप बहुत सारे सवाल लगाते हैं, उसमें मैकेनिक्स मिक्स कर करके आप बहुत अच्छे अच्छे सवाल क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे, और आप देखेगा कि ये चैप्टर जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लगेगा। और एक और चीज, ये चैप्टर जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, लेकिन कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। कहने का मतलब ये है, क्लास 12 के आने वाले चैप्टर तो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है अपना ये पूरा मोटिव रखिए कि मुझे जो भी पढ़ रहा हूं मैं इसको 100% मुझे देना है। और जब भी मैं आप कोई लेक्चर देखें, वीडियो लेक्चर मेरा जब जैसे आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद जो आपको असेसमेंट दिया जाता है उसको फटाफट लगा लीजिए, ताकि आपको ये चीज दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। डू इट फर्स्ट एंड द करेक्ट वे।
डोंट हैव टू डू इट अगेन. ओके, वॉचिंग.